जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी और मैं हूँ राबिया अफजल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नज़रिया पाकिस्तान में, जहाँ सेकंड एजुकेशन एक्सपो जॉब्स एंड बुक्स फेयर की जानिब से यहाँ पर 3 रोज़ा एक्सपो का इनेकाद किया गया था। आज तीसरा और आखिरी रोज़ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के स्टॉल पर। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कहीं पर भी एक्सपो लगती है तो मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज़ एक अपना रोल मॉडल जो है वो पेश करती है कि आज मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है। एंटर होते ही एक सबसे पहला जो स्टॉल है वो मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज और MMY का लगा है। आइए यहाँ पर बात करते हैं एक मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज के कुछ जिम्मेदारान से। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं राना अवैस, जो कि सेल्स मैनेजर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मॉडल स्टील का जो स्टॉल है वो सबसे पहले एंट्रेंस में लगा हुआ है और लोगों का काफ़ी यहाँ पे आना है, लोग आ रहे हैं काफ़ी, और लोग दिलचस्पी भी ले रहे हैं इसमें जो हमारा स्टॉल लगा हुआ है इसमें, और जो हमारे जो फोकस पॉइंट है इस पर भी काफ़ी तो पूछते हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं इसके बारे में कि भाई जो मुख्तलिफ लगे हुए हैं MMY का और इसके बारे में क्या है, इनको काफ़ी अच्छा ब्रीफ कर रहे हैं और लोग काफ़ी इंटरेस्टेड है इस मामले में, काफ़ी पूछ रहे हैं इसके बारे में। मॉडल स्ट्री ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से यहाँ पर जो उनके प्रोजेक्ट है राबे वेलफेयर MMY MKY, इसके हवाले से हमें भी थोड़ा सा ब्रीफिंग की। जो बेसिकली राबे वेलफेयर हॉस्पिटल है ये दामीबाग में है, फ्रूगंज में, और काफ़ी इलाका ऐसा है जो लोग जो है ना वहाँ पे काफ़ी इलाज के लिए आते हैं, और अभी तक जो है ना बेसिकली 3 मिलियन हम ट्रीट कर चुके हैं वहाँ पेशेंट, और काफ़ी अच्छा वहाँ पर रहा है हमारा, लोग आ रहे हैं काफ़ी, और मेडिसिन भी इनको फ्री वगैरह मिलती है वहाँ पर। आप विजिटर्स को क्या पैगाम देना चाहें? विजिटर्स को पैगाम यही कि ऐसी एक्सपोज में आना चाहिए, एक तो इन्फॉर्मेशन मिलती है और पता चलता है कि हमारे मुल्क में जो है ना वो हो क्या रहा है, और दूसरी बात ये कि कौन कौन सी जो कंपनीज हैं जो वेलफेयर का काम करती हैं और वेलफेयर के थ्रू वो क्या क्या करना चाहती हैं आवाम के लिए, इस चीज़ का आवाम को एक आइडिया मिलता है एक्सपोज। मैसेज तो नाज़रीन के लिए हो गया। सर, आपका 3 रोज़ा जो यहाँ पर था एक्सपीरियंस वो कैसा रहा? यहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, बहुत कुछ सिखाया। वैसे मॉडल स्टील का जो मोटो है कि जो सीखा है वो लोगों को सिखाना है, तो हम लोगों से सीख भी रहे हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं, यही हमारा जो है ना वो लोगों है। जी नाज़रीन, मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद एजाज, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, 3 दिन से यहाँ पर नज़रिया पाकिस्तान में एक्सपो लगा, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत हमारा जिस एक्सपो स्टार्ट होता है तो पहला स्टॉल हमारा, स्टूडेंट हो गए, लेक्चरर हो गए, डॉक्टर हो गए, सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये हमारा पहला स्टॉल है, तो वहाँ पर सारे आते हैं और उनसे भी हमें सीखने को कुछ मिल रहा है, हम भी उनको बता रहे हैं अपने। इसमें जो मेन चीज़ हमारी कंपनी की है कि एक तो साथ बिज़नेस के साथ साथ हम एक बता रहे हैं पाकिस्तान में कि अपनी जो प्रोडक्ट हैं उनको प्रमोट करें पूरी दुनिया में, जिसमें हमारा एक है सबसे पहले बिलीव पाकिस्तान, तो उसमें जो हमें लोगों को आगाही कर रहे हैं कि अपनी चीज़ पर आप प्रमोट करें। मॉडल स्टील के और कितने प्रोजेक्ट्स हैं सर? हमारा जो है उसके अलावा जो CSR के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो मेन है MMY है, MKY है, जो MMY है उसमें हमारा राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल है, मॉडल स्पोर्ट्स है, इल्मे फातिमा हमारी मस्जिद है, और बख्तावर स्कूल ट्रेनिंग सेंटर जहाँ बच्चियाँ आती हैं सिलाई कढ़ाई सीखती हैं, उसके अलावा हमारा जो है MKY है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमारे जो हैं कंपनी उनको स्कॉलरशिप्स देती है और उनको ट्रेनिंग की जाती है, और जो स्टूडेंट्स हैं उन वो हमारी कंपनी में आके मुख्तलिफ प्रोडक्ट पर R&D भी करती हैं, जैसे इंजीनियर वगैरह हो गए। उसके अलावा MKY में जो है हमारे मुख्तलिफ यूज़ के साथ MOU साइन हुए हुए हैं, और जिसमें हम उनको बच्चों को स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, उसको स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ बहुत चीज़ें भी हैं। घर वही मजबूत होते हैं जहाँ रिश्ते मजबूत हों। आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।